अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार और भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, न्यू हैम्पशायर के एक व्यक्ति ने सोमवार 11 दिसंबर को आयोजित इलेक्शन प्रोग्राम के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भरा मैसेज भेजा है। बता दें कि विवेक रामास्वामी अमेरिका में अगले साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं। हालांकि रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के प्रवक्ता सोमवार को कहा कि उनका चुनावी अभियान पहले सही निर्धारित था। हम इस धमकी से जुड़े मामले को संभालने में लॉ एनफोर्समेंट के शुक्रगुजार हैं और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा की कामना करते हैं। वहीं धमकी देने वाले 30 वर्षीय टायलर एंडरसन को शनिवार 9 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के वकील मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उस व्यक्ति को शुक्रवार को एक मैसेज मिला। पोर्टसमाउथ में सोमवार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। FBI एजेंट ने कोर्ट को बताया, चुनाव अभियान कर्मचारियों को धमकी भरे दो मैसेज मिले। एक में रामास्वामी को सिर में गोली मारने की धमकी शामिल थी और दूसरे में कार्यक्रम में आने वाले सभी को मारने की धमकी दी गई। FBI ने कहा, सेल फोन नंबर आरोपी व्यक्ति टायलर एंडरसन का था। FBI एजेंटों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने बताया कि उसके कई अन्य अभियानों में भी इसी तरह संदेश भेजे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।